हाँ तो मेरे भाइयों, क्या हाल चाल, जय श्री राम। तो भाई आज का Day 7 एंड भाई अभी तक हमारा कॉन्कर नहीं हुआ है, बिकॉज भाई देखो कल बहुत सारा मतलब भाई बहुत ही गंदा सीन हुआ है मेरे साथ में। मतलब देखो प्रोटेक्शन गार्ड्स तो मेरे खत्म हो चुके हैं, ठीक है, जो मैंने भाई गलती से मतलब Crown 2 पे लगा लिए थे। एंड भाई ऐसा हुआ ना भाई, एक के पीछे एक 3 बार माइनस लग गया, मतलब उसका मतलब 3 प्रोटेक्शन गार्ड वहाँ पे यूज हो गया है, ठीक है। तो जिसके कारण भाई मेरे को बहुत ही मतलब उसका मतलब अभी दुष्परिणाम भुगतना पड़ रहा है, बिकॉज भाई Crown 1 पे मतलब आने के बाद में मेरे को 20-30 पॉइंट चाहिए थे, एंड भाई वहाँ पे मेरे को लग जाता है 38 का माइनस, जिसके कारण भाई उसके बाद में कि जितने भी मैचेस मेरे गए हैं बहुत ही मतलब वाहियात गए हैं। मतलब भाई 2-3 मतलब मैच की मतलब हॉर्स मतलब 2 ही हॉर्स बाकी थे, ठीक है, उसमें भी भाई अच्छे से कर ना पाया मैं, ठीक है, जिसके कारण भाई मेरे को मतलब क्या ही करे यार, एक दिन थोड़ा सा लेट होगा, ठीक है। मतलब अभी देखो कल मेरा कॉन्करर लगेगा, तो कल वीडियो आएगी सीधा कॉन्करर की। आज भाई अभी क्या ही करे यार, थोड़ा सा मतलब बस देखो 82 पॉइंट्स तो मेरे हो चुके हैं, 18 पॉइंट चाहिए भाई कॉन्करर के लिए, मतलब एस पे कॉन्करर मिल जाएगा मेरे को कल, ठीक है। एंड देखो भाई परसों तक आपको मतलब देखो नहीं परसों तक ही नहीं भाई, मतलब देखो Day 8 तक, मतलब अभी कल का Day 7 है, मतलब आज का Day 7 है एंड कल का Day 8 है, ठीक है। तो Day 8 तक आपको एस के ऊपर कॉन्करर मिल सकता है, देन उसके बाद में भाई पॉइंट्स ऊपर बढ़ते जाएंगे, बिकॉज टॉप पे हैकर है भाई। तो अभी देखते बंदा कितना हैकर मतलब कितना भी मतलब पॉइंट्स बढ़ाता है, तो जितने पॉइंट देखते अभी कितना सीन होता है, ठीक है। तो अभी देखो भाई मैंने कल के वीडियो में जैसे स्ट्रेटर्जी बताई थी, फिलहाल वैसे ही खेलो भाई। देखो अगर इवेंट पे मर जाते हो, वहाँ पे आपके भाई मतलब रिकॉल ना ले पाते हो, अगर वहाँ पे आपको रिकॉल नहीं मिला, तो अगर मतलब आपको पहली बेटी बन गई रिकॉल के पहले, तो भाई आपको 2 जोन बाहर ही रुको यार, कुछ भी करो कुछ भी करो, बिकॉज भाई 2 जोन तक ना ये जो रिकॉल वाले बंदे हैं ना, आपको ये मतलब जीने नहीं देंगे, आपको हराम कर डालेंगे यार पूरा का पूरा, ठीक है। घुस के मारेंगे, माइनस लगवाएंगे, तो बहुत ही बुरा लगेगा आपको भाई ये सीन, ठीक है, ज़्यादा ब्रूटल हो जाएगा आपके साथ में, ठीक है ना। तो ऐसा सीन ना हो, तो इसके कारण मैं 2 जोन बाहर ही रुकने के लिए बोलूँगा। बाकी आपकी मन मर्जी, अगर आपकी किल्स नहीं हो तो भाई 3rd सर्कल में सेंटर पकड़ के आप किल्स भी निकाल सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बट मैंने रिकमेंड करूँगा अभी देखो 3rd सर्कल जैसे मतलब बनने के लिए आ जाए ना, मतलब जोन स्टार्ट हो जाए एंड 10 सेकंड बाकी हो 4th जोन बनने के लिए, तो उस टाइम पे आप एंटर मार सकते हो एंड सेंटर पकड़ के भाई वहाँ पे आराम से किल हो जाते हैं यार बाद में, ठीक है। 3rd सर्कल में भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सेफ खेलो अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर अच्छा प्लस लाना है तो मैंने जिसका स्ट्रेटर्जी बोली है उस तरह से खेलो, एंड अगर आपको वहाँ पे रिकॉल मिल जाता है ना तो घुसकर बंदे मारो, मैं यही रिकमेंड करूँगा, ठीक है। तो मतलब यार आपको मतलब रिकॉल का कोई ना कोई तो फ़ायदा होना चाहिए ना, तो जितने ज़्यादा किल्स उतना ज़्यादा प्लस, ठीक है। तो उसके कारण मैं रिकमेंड करता हूँ, देखो भाई ऐसे ऐसा करो। एंड भाई अगर इवेंट पे एक बार मर गया ना, फिर से इवेंट पे वहीं जाना है, ठीक है। ये आपको मतलब देखो बहुत रिस्क लेते हो ना आप, तो ये बहुत दिक्कत हो जाती है। इफ़ अगर आपके पास भाई देखो टीयर प्रोटेक्शन है, तो वो भी भाई आप संभाल के रखो, जो जो कि आपको Crown 1 पे यूज़ होने वाला है, बिकॉज Crown 1 पे ऐसा सीन होता है ना, प्लस बहुत ही कम मिलता है भाई, ठीक है। Crown 1 पे बहुत दिक्कत हो जाती है, तो वहाँ पे थोड़े थोड़े से मतलब जैसे जैसे क्लोज जाते हैं ना एज के, तो भाई ऐसा सीन होने लगता है वहाँ पे, ठीक है। तो इसके कारण थोड़ा ध्यान देना और आराम से गेम खेलना, ठीक है। तो बाकी 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 सब भाई आपका जितना मतलब क्या रैंक वगैरह चल रहा है, तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बता देना, एंड किसी को पेड रैंक पुश करनी हो तो मेरे को बोल देना भाई, ठीक है ना। इंस्टा के ऊपर DM कर दो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ठीक है। तो अभी फिलहाल देखो भाई मैं भी ऐसे ही गेम खेल रहा था, एंड भाई ये वाला भी बहुत वाहियात गेम गया है मेरा। यहाँ पे भाई मेरे पास रिकॉल था, बट मैं बंदे ढूंढ रहा हूँ, बंदे मिल ही नहीं रहे मिल ही नहीं रहे, क्या ही करे, ठीक है। बाद में भाई थर्ड सर्कल मेरी पेटी बन जाती है, क्या करे भाई, मैं मतलब दूसरी तरफ से एक बंदे को मैं मार रहा था, एंड भाई दूसरा बंदा उतर के भाई पेल भी देता है, ठीक है। तो ये इस भाई की आईडी थी जिनका मैं कॉन्कर कर रहा था, तो ये पेड पुश वाली आईडी है, ठीक है। तो किसी को करना हो तो ज़रूर बोल देना, मैं आपको कॉन्कर जरूर कर दूंगा, ठीक है। और भाई किसी को दिक्कत है और आती है तो मेरे को पर्सनली DM भी कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इतनी, मैं समझा दूंगा किस तरह से आपको मतलब रैंक पुश भी करनी है, ठीक है। तो आप कमेंट भी कर सकते हो, DM भी कर सकते हो, आज आपके ऊपर डिपेंड है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड भाई हैकरों से दूर रहो, ठीक है। अब आप समझ रहोगे कि भाई मतलब कम रेट में करके दे रहा है, तो देखो यार जो बंदा कम रेट में करके देता है ना, वो बंदा आप समझ लो यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर होता है, ठीक है। एक तो आपका स्कैम भी हो सकता है, या फिर वो बंदा हैक लगा के भी कर देना, तो ऐसा हो सकता है। सब सस्ते के चक्कर में मत पड़ो, जो कि भाई हमारी मेहनत रहती है वो तो हम बता ही देते हैं, ठीक है। बाकी भाई आपको जैसा सही लगे
हैकर से करवाना है तो हैकर से करवाओ, कोई दिक्कत नहीं। आपकी आईडी मतलब सेफ रहेगी या नहीं रहेगी तो इसके ऊपर डिपेंड है। वो बंदा भाई स्कैम भी मारा गया, ये भी कर गया, तो क्या बताया भाई। ठीक है, तो देखो भाई आपके ऊपर डिपेंड है बाकी सब तो। ठीक है, तो फिलहाल देखो यार मैं भी ऐसा ही कर रहा था, बंदे दौड़ दौड़ के पागल हो गया था। तो भाई देखो अगर आप भी रिकॉल लेने के बाद में आपको बंदे नहीं ढूंढते ना, मतलब मिलते नहीं ना, तो भाई आप देखो जोन के बाहर चेक किया करो। ठीक है, ज़्यादा करके जोन के अंदर बंदे नहीं रहते, बिकॉज बंदों को बहुत अच्छे से पता है कि 2 जोन तक अगर अंदर रहे ना तो भाई आपकी अपनी पेटी बनना तो मतलब एकदम फिक्स है। ठीक है, बिकॉज कम से कम ना भाई 7-8 बहुत सारे 7-8 से लेके 10 तक बंदे को ना बंदे के पास रिकॉल रहता है। तो वे बंदे आपके क्या है मतलब समझ लो अभी कितना तबाही मचाते होंगे मतलब अंदर। ठीक है, तो उसी कारण बंदे बाहर ही रुकते भाई 2-2 3-3 2। तो आप चेक किया करो कहीं भी यासना सिटी में जाए मतलब यासना जाए जाया करो या फिर जोरजोफुल सिटी, दोनों सिटी ऊपर वाली भी नीचे वाली भी, एंड ट्राई करो गट्टा गटका की तरफ भी मिल जाते बंदे, फेरी फेरी प्रीमॉक्स इस तरफ बंदे बहुत ज़्यादा जाते हैं। तो ध्यान रखना जोन के बाहर यही जगह है ये कामाशा की। ठीक है, ऐसे ऐसे जगह पर छोटे छोटे कंपाउंड्स पर बंदे मतलब जोन के बाहर रहते हैं 2-2 3-3 जोन तक। ठीक है, तो वहाँ पर जाके आप चेकआउट चेक कर लो उनको भाई और घुस के मारो मस्त भाई। ठीक है ना, मर गए तो मर गए यार, रिकॉल है आपके पास में, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा करके ना आप इजीली मतलब कि देखो जितने ज़्यादा किल्स निकालोगे ना उतना ज़्यादा प्लस मिलेगा। ठीक है, तो अभी देखो अगर समझ लो आपने 8 किल कर लिए हैं तो एंड आपका टॉप 10 हो चुका है, एंड मर भी जाते हो ना तो आपको भाई 35 से लेके 31 तक आपको प्लस मिल सकता है यहाँ पे। ठीक है, एंड समझ लो चिकन डीना निकाल लेते हो तो भाई 40 के आसपास में 39-40 के आसपास में प्लस मिलेगा, इफ अगर आपकी किल 10 या फिर 11 के आसपास में हो। ठीक है, तो ऐसे कर करके कुछ आप रैंक पुश कर सकते हो। एंड डेली पॉइंट्स देखो, अभी डेली पॉइंट्स 30 से 40 या फिर 50 पॉइंट भी बढ़ सकते हैं, या फिर भाई पिछली बार सीन हुआ था तो सीधा 70 पॉइंट बढ़ गए थे मतलब इसके ऊपर बंदों ने एक ही दिन में उठा दिए थे इतने पॉइंट्स। ठीक है, तो देख लो भाई और जल्दी जल्दी से रैंक पुश करो। डेली आपका टारगेट तो मैं बता देता हूँ 250 प्लस तो निकाल ही लो। ठीक है, ज़्यादा निकल रहा हो तो ज़्यादा भी निकालो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, 250 ही निकालना ऐसा नहीं है भाई, ज़्यादा निकल रहा हो तो निकाल लो। 6 घंटों में जितना निचोड़ सकते हो उतना निचोड़ो भाई। ठीक है ना, तो बाकी मैं कुछ नहीं करूँगा, जितना बोला उतना करो यार, बहुत ही सही आपका रैंक पुश हो जाएगा। एंड मगर आपका कॉन्करर भी हो जाता है ना तो भाई आपका मतलब यहाँ पे आके मतलब फीडबैक जरूर दिया करो। ठीक है, तो वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, तो खासी वीडियो में कुछ हुआ है नहीं। ठीक है ना, मैं यहाँ पे मर जाता हूँ टॉप 25 पे या 23 पे आ गया। ठीक है, तो ये काफ़ी लंबा वीडियो भी हो जाएगा, तो मिलते भाई सीधा कल कल के वीडियो में। ठीक है, तो मतलब मस्त कॉन्करर के साथ में। ठीक है, मिलते भाई नेक्स्ट वीडियो में, मतलब टाटा, बाय बाय, सी यू गाइस।